हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। हैप्पी होली। आज छोटी होली है, ये हमारा होली का व्लॉग है। हम लोग आज घूमने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने कल शॉपिंग की थी, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है जो कि अपलोड होगा। कब होगा? आज ही होगा, अपलोड होगा, उसको आप लोग देखेंगे। और आज है छोटी होली, कल ये घर चले जाएंगे और मैं अपने घर पे होली सेलिब्रेट करूंगी। तो आज हम लोग साथ में देखते हैं कहाँ पर खेल सकते हैं। ऐसे तो कोविड का टाइम है और कोरोना फिर से वापस आ गया है ना, तो ज्यादा जगह जाना, ऐसा क्राउड में जाना ऐसा अलाउड तो नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं पर साथ में होली सेलिब्रेट कर सके। कलर्स भी लिया है, टी शर्ट कल हमें नहीं मिल पाई थी, हमने टी शर्ट नहीं ली है और देखते हैं अगर आज कहीं मिल जाएगी तो टी शर्ट वो लेंगे। टी शर्ट लेने के पहले हम लोग कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह मिले, हमने तो कुछ खाया नहीं है, तो चल के कुछ खा लेते हैं। क्या खाएंगे? ढूंढते हैं कहीं चाय बन लेते हैं। हम लोग यहाँ तो आ गए हैं, वहाँ पे जहाँ पे अब चौक में, उधर हम लोग चौक में है इस समय और ये पहले चौक में रहते थे, तो यहाँ पे इनको पता है कहाँ पर चाय मिलती है। चाय बन, मैं वहाँ पे चाय देंगे हम लोग। बहुत सुबह, अभी देखते हैं कितना टाइम हुआ है। अभी 9:30 हो चुका है, 9:30 और हम लोग चाय लेने जा रहे हैं। चाय लेने के बाद में हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग भूलभुलैया जाएंगे, और अभी भूलभुलैया पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है, खाते पीते खुल जाएगा। जब तक हम लोग कुछ खाएंगे पीएंगे तब तक भूलभुलैया भी खुल जाएगा। वहां पर जाकर के अच्छी सी फोटोज क्लिक करवानी है, उसके बाद में पूरा दिन है, देखते हैं कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। और पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर हम लोग तो एक बटर, वही बटर ही मिलता है। एक पूरा लगा था गाय, वो थोड़ा सा काट के लगा देता है, खाओ। गाइज यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है और हम लोग चुप्पे चुप्पे से बना रहे हैं, चोरी चोरी बना। बंद होने वाले? क्या कौन बोला? ना ना, वहाँ से एंट्री है, उस वहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री नहीं है। अच्छा। तो हम लोग चोरी चोरी से बना रहे हैं, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। पहले था, अभी बोल रहे हैं कि मना हो गया है, पहले नहीं मना था। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, हम लोगों ने एक फोटो भी खिंचवाई है। हम लोगों के पास DSLR था लेकिन अंदर लाना अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फोटोग्राफर से खिंचवाई है। आपको दिखाएंगे हम लोग, बाद में दिखा देंगे, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद ऊपर का। सो गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा नियम कानून बताए जा रहे हैं। हाँ, फालतू में 1 से 2 है तो गाइड देना कंपलसरी है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। गाइड लेना कंपलसरी हो गया है, तो मतलब ब्लॉगिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी जितना पॉसिबल होगा कोशिश करूंगी ना आप लोगों को मैं दिखा सकूं। लेकिन इमाम हुसैन बाबा की मानने वाली थी। सो यहाँ पे गाइड हमें गाइड करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे कि कहाँ पर क्या है, कैसे बना, इसके बारे में, इसके पीछे जो भी हिस्ट्री है इमामबाड़ा की, वो सब हमें बता रहे थे वो।
ये वाला गेट दिखाएंगे, गेट से जो आदमी आता है और जाता है कपड़े कर दिखता है। शाह जफर सिपाही सैनिक बैठा रहता था, वहां से पहचानता कौन अपना कौन पराया। यहाँ का एक प्रोटोकॉल टाइप है कि एक गाइड ग्रुप में कुछ ग्रुप में कई सारे लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं। अगर आप पर्सनली गाइड करना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर है, उसका अलग से वो चार्ज करना पड़ता है। बाकी ग्रुप में वो आपको लेकर के जाते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, 15-20 लोग होते हैं साथ में, उनको सबको साथ में लेकर के जाते हैं। उसके बाद में सब कुछ बताते रहते हैं कि कैसे क्या था, कैसे बना। गाइड ने हमें बताया कि अभी हम लोग जैसे मकान बनवाते हैं तो समरसेबल लगवाते हैं, उस टाइम पे समरसेबल तो नहीं होते थे, तो जो राजा थे, पुराने जो महाराज थे, बादशाह थे, ये लोग कुआं खुदवाते थे, कुआं खुदवा के उसका पानी यूज़ करके अपनी इमारतें बनवाते थे। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कि गाइड हमें बता रहे थे, सबको बता रहे थे, हम लोग उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। काफ़ी अंधेरा था अंदर, काफ़ी पतले पतले रास्ते थे, वैसे रास्ते क्यों बनाए गए हैं, क्या हुआ उनके पीछे की क्या कहानी है, ये सब कुछ गाइड हमें बता रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत आवाज़ आ रही थी, पूरे ग्रुप के साथ में हम लोग थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आवाज़ सुनी आपने, ये गाइड हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर थे और वहाँ से बोल रहे थे और हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा था। काफ़ी अंधेरा था, टॉर्च लेके चलना पड़ रहा था, टॉर्च जलाना पड़ रहा था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, छोटे छोटे रास्ते, अंधेरा बिल्कुल। लेकिन ग्रुप के साथ में अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हो। हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पर, जाने के बाद में कहीं रंग वंग खेलेंगे रंग के ऐसा, लेकिन वैसा कुछ भी हो नहीं पाया क्योंकि अभी वहाँ पर कैमरा और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, मे बी ड्यू टू कोविड। फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, मैंने कोशिश की थी कि मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन उतना नहीं हो पाया। फिर भी जितना हुआ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। एंट्री का टिकट था 50 रुपीज़ का टिकट था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कवर की थी। गाइड हमारे बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से सबको गाइड कर रहे थे, एक एक चीज़ें बता रहे थे। काफ़ी 15-16 लोगों का ग्रुप था, सबके साथ में काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। इतना थक गए थे हम लोग, इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे, लेकिन इतना इंजॉय भी कर रहे थे कि सब कुछ उसके आगे बेकार। इतना मज़ा आ रहा था, एक एक चीज़ वो बता रहे थे, काफ़ी लोग सब लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। था आप लोगों को पूरा दिखा के लाए, फोटो लेना, फोटो ले लो, मैट्रिक जैकेट को ले लो, अल्लाह का और पैसा था नवाब आसिफ दौला का। इधर पिलर कटे हैं, उधर पिलर कटे हैं, चारों तरफ पिलर इसलिए काटे गए बिल्डिंग का वेट हल्का करने के लिए। अगर इसका टोटल भर देते बिल्डिंग को नुकसान करते। ऊपर का व्यू देखिए आप, कितना फोटोजेनिक और कितना प्यारा था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे हम लोगों को। हम सब ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गाइड ने हमें टाइम दिया था कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो, बैठ लो, उसके बाद में हम लोग वापस से नीचे चलेंगे। जो भी लोग लखनऊ से हैं वो तो इमामबाड़ा एक बार गए ज़रूर होंगे, जो लोग लखनऊ से नहीं हैं उनको भी मैं एक बार सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लखनऊ आ रहे हो तो इमामबाड़ा ज़रूर जाओ, आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे वहाँ पर। गाइड थोड़ा सा जल्दी में भी थे, वो हमें ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करवाने का टाइम ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल। एक वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन है जो रुकने नहीं दे रही है। हाँ, ये गाइड ना, जल्दी आइए, बहुत तेज धूप है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया था, भीड़ ज़्यादा नहीं थी होली की वजह से। हम लोग अभी अपना जूते पहनकर बाहर आ रहे हैं, इतनी थकान लग रही थी गर्मी की वजह से, इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी। अभी हम लोग यहाँ से निकल के कुछ ना कुछ खाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। हम लोगों ने सिर्फ चाय और बन लिया था, उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। अभी बाहर निकल के हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, कहाँ पर हम लोग एक्चुअली कलर खेल पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल टाइम ऐसा मिला नहीं, यहाँ का एनवायरनमेंट ही वैसा नहीं था। ज़रूरी नहीं है जैसा हम लोग सोच के जाएं, सारी चीज़ें वैसे ही हों, चेंज हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पर होली वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कहाँ पर कर सकते हैं, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं, लग रही है बहुत ज़्यादा बिल्कुल ले रखें, पैक करने का यूज़ पियेंगे, पैक कुछ खाएंगे। वापस जा रहे हैं।
गाड़ी बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा धूप है, गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। कल हम लोग टी शर्ट नहीं ले पाए थे, अभी हम लोगों ने सोचा है कि अमीनाबाद जाते हैं, टी शर्ट अगर वहाँ पे मिल जाती है तो टी शर्ट ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टी शर्ट नहीं है, कलर खेलना है और टी शर्ट नहीं है। तो हम लोग अमीनाबाद तो आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जल्दी से मिल जाता है, वहाँ से लेके चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। और आज छोटी होली है, इसलिए देखिए आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अमीनाबाद में, काफ़ी अच्छी सारी दुकानें इन्होंने सजा रखी हैं। यहाँ पर अभी कुछ टाइम के बाद में जितना भी मार्केट लगा है सारा बंद हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रंग खेला जाता है। हम लोग बस यहाँ पे टी शर्ट लेके उसके बाद जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और धीरे धीरे इतना धूप हो रही है, इतनी गर्मी लग रही थी कि मतलब नहीं पॉसिबल हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम दें। कुछ खाया भी नहीं हम लोगों ने अभी यहाँ से टी शर्ट लेने के बाद में, टी शर्ट और हर एक दुकान पर आप देखोगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी फेस्टिवल के टाइम पर, यहाँ पे अंदर गाड़ी लाना बिल्कुल इतनी मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है। उसके बाद में टी शर्ट लेते हैं, टी शर्ट मिल गई हम लोगों ने, दो तीन टी शर्ट ली हैं, एक हमारी है, एक इनकी है और एक इन्होंने डैडी और एक भाई के लिए ली है। टी शर्ट लेने के बाद में अभी कुछ हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे खाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। वहाँ पे हमने सिर्फ जूस पिया था गन्ने का और बस थोड़ी सी भेलपूरी खाई थी, तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे। खाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, खाने के बाद में देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पर और क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं। इतनी गर्मी और भीड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सिर्फ एक चाउमीन मंगाई थी और एक मिल्क शेक, सॉरी मैंगो शेक, और बस एक डोसा खाया था। उसके बाद में वापस से हम लोग चल दिए थे, हमने सोचा कहीं अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम लोग बस रूम पे टेरेस पे जाकर के ही होली खेल लेंगे। मेरी हालत देखिए आप, मैं इतना परेशान हो गई थी इतना धूप और गर्मी से, मैंने सारे अपने बाल फोल्ड कर लिए, मेरे इयररिंग्स की वजह से मेरे कान में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, सारा मैंने हटा दिया। सो फाइनली हम लोग रूम पर आ गए हैं, रूम पर आके फ्रेश होने के बाद में हम लोग तैयारी करने वाले हैं कलर खेलने के लिए। हम लोगों ने ये कलर लिया था और ये टी शर्ट ली थी, जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट हम लोग अभी लेकर के आए हैं। ये टी शर्ट है और ये तीन कलर्स है जिसको मैं प्लेट में रख रही हूँ, अच्छे से प्लेट में रखेंगे, उसके बाद में जाकर के टेरेस पे हम लोग कलर खेलेंगे। पूरा दिन घूमने सब कुछ करने के बाद कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, अभी शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं छत पे कलर खेलेंगे। हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, आप सब लोग सेफ रहो, क्राउड में मत जाओ, घर में घर वालों के साथ में होली सेलिब्रेट करो।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. गाइज, अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने वाली हूँ। आई होप आपने हमारा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड हो सको। एंड ऑल्सो हम दोनों की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी होली। घर में रहिए, फैमिली के साथ में होली इन्जॉय करिए, सेफ रहिए, एंड हैप्पी होली फ्रॉम अस टू यू ऑल।